नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण गैरला। आप देख रहे हैं T21C। शुरू करते हैं आज के कंटेंट के साथ। दोस्तों, एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं आपको कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके जल्द से जल्द जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है दोस्तों, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अभी का भी, अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो जल्द से जल्द नीचे लाल बटन पर क्लिक कर लीजिए। और जो आने वाले मेरे वीडियोज़ होंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जियो से रिलेटेड या आइडिया वोडाफोन या कोई भी इंटरनेट पैक या इंटरनेट सुविधा से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दोस्तों, वो आपको पता चल जाएगी। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं जियो की। जी हाँ, सबको पता है जियो 31 मार्च तक फ्री है। 31 मार्च के बाद क्या होने वाला है, बोल रहे हैं जून तक फ्री है। दोस्तों, जून तक फ्री है, लेकिन उसके कुछ स्कीम्स हैं, उसके कुछ कंडीशंस हैं, तो उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर मैं बताऊँ आपको कि रिलायंस जियो 31 मार्च 2017, मतलब 31 मार्च 2017 तक बिल्कुल फ्री है, वो आपको पता है। उसके बाद क्या होने वाला है, सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना कि क्वेश्चन मार्क आ गया है सबके ऊपर, और काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। अभी मैं आपको एक कंफर्म चीज़ बता रहा हूँ कि वॉइस कॉलिंग दोस्तों फ्री होने वाला है, ठीक है। मार्च के बाद भी वॉइस कॉलिंग फ्री होने वाला है। इंटरनेट का आपको पे करना है दोस्तों। इंटरनेट का पे करने के जो स्कीम्स हैं और इंटरनेट के लिए जो आपको पे करना पड़ेगा, उसके प्लान्स मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लान्स दोस्तों, कहा जा रहा है कि मार्च के बाद भी अपने ग्राहकों को फ्री वॉइस कॉलिंग की सुविधा देगी। हालांकि डेटा प्लान के लिए यूज़र्स को 100 रुपये की कीमत चुकानी होगी, लेकिन 100 रुपये में इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराने की स्कीम भी अन्य कंपनियों की नींद उड़ा सकती है दोस्तों। सही बात है ये। और आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने अपने वेलकम ऑफर के पूरे होने के बाद ही हैप्पी न्यू ईयर प्लान पेश किया है, जिसमें डेटा लिमिट घटकर 4 GB प्रति दिन से 1 GB प्रति दिन कर दी गई थी। दोस्तों, अभी मार्च के आखिर तक इनकी संख्या अगर हम लोग बोलें तो यूज़र्स की 100 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर वो हो जाते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छी बात होगी। और 100 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे दोस्तों, मिनिमम 100 रुपये का प्लान रहेगा। 100 रुपये पे करिए दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ 31 मार्च के बाद क्या सिनेरियो होने वाला है, 31 मार्च के बाद क्या आपको करना है अगर आपको जियो की सुविधा अच्छे से यूज़ करनी है तो भी बिना किसी झिझक के। दोस्तों, 100 रुपये का मिनिमम बेस प्लान है। 100 रुपये में आपको इंटरनेट फ्री मिलेगा, वॉइस कॉलिंग फ्री मिलेगा, इंटरनेट आपको वही 1 GB का पर डे का लिमिट मिलेगा दोस्तों। 1 GB अगर आप क्रॉस करते हैं तो जो आपकी स्पीड जो है वो 128 KBPS जो है वो घट के हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिली होगी दोस्तों। और बाकी और किसी भी चीज़ों पर आप विश्वास ना करें, और जल्द से जल्द जो है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। T21C YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल बटन को क्लिक करके। और मैं ऐसे ही आपके लिए जियो से रिलेटेड और काफ़ी सारी और टेक न्यूज़ या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दोस्तों न्यूज़ लाता रहता हूँ, और आर्टिकल्स आपको इन्फॉर्मेशन बताता रहता हूँ हिंदी में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।